यूक्रेन संकट के बीच चीन पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चीन ने जहां यूक्रेन मसले पर खुलकर रूस का साथ देने का ऐलान किया है, वहीं ये भी कहा है कि बीजिंग और मास्को के बीच रिश्तों में अब कोई सीमा नहीं होगी और दोनों देश एक दूसरे का पूरा सहयोग करेंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की राजधानी बीजिंग में मुलाकात के बाद दोनों देशों की ओर से ये बयान आया है। यूक्रेन पर अपने बयान में रूस और चीन ने कहा है कि रूस और चीन नाटो के विस्तार का विरोध करते हैं। रूस और चीन का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब पश्चिमी देशों ने आरोप लगाया है कि रूस ने 1,00,000 से ज्यादा सैनिकों को यूक्रेन की सीमा पर जमा किया है। साथ ही रूस की मंशा है कि वो यूक्रेन पर कब्जा कर ले। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने रूस को चेतावनी दी है कि अगर उसने यूक्रेन पर हमला किया तो इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे और पुतिन को गंभीर आर्थिक प्रतिबंधों से गुजरना होगा। वहीं रूस ने इन आरोपों का खंडन किया है। इस बीच पुतिन ने भी ताइवान के मुद्दे पर चीन का साथ देते हुए कहा है कि वो एक चीन की नीति का समर्थन करता है। इस मुलाकात के बाद जारी संयुक्त बयान में दोनों देशों ने कहा है कि उनका ये नया रिश्ता कोल्ड वॉर के दौर के किसी भी राजनीतिक या सैन्य गठबंधन से ज्यादा बेहतर होगा। रूस और चीन ने कहा, दोनों देशों के बीच दोस्ती में अब कोई सीमा नहीं होगी, सहयोग का कोई क्षेत्र अब वर्जित नहीं होगा। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष डिजिटल। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखे, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहे। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।